सो आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा पहली बार अपने चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे ने। किसान अंदोलन देश चल रहा है, पंजाब के कुछ मसलों से किसानी अंदोलन लैके कुछ गलबात राघव चड्ढा नाल। सो चड्ढा साहब, पहला सवाल यही, चंडीगढ़ तुसी पहली बार दौरे पर पहुंचे हो, की रूपरेखा दशा हुण देख रहे हो किसानी अंदोलन की? पंजाब का सह प्रभारी बनने के बाद पहली बार आया हूँ, ऐसे तो यहाँ पे मेरा बचपन बीता है। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी ने करी है, और साफ तौर पे ये है कि कैप्टन अमरिंदर साहब एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और इस किसान आंदोलन को समाप्त करना चाह रहे हैं। और सबसे पुख्ता सबूत अभी ये आया है कि SGPC का जो कार्यक्रम होना है 400वें ग्रुप प्रकाश पर्व पे, उसमें मोदी जी को चीफ गेस्ट नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है और कैप्टन साहब की सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाए। इससे बड़ा सबूत मुझे लगता है हो नहीं सकता। और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से देश के किसान के साथ खड़ी है और इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेगी। एक साल बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में हमेशा ये बड़ा इशू हिंदू कम्युनिटी की तरफ से उठता रहा कि पंजाब में आज तक हिंदू CM नहीं बन पाया। क्या आपको पंजाब के सह प्रभारी की जिम्मेवारी देकर आपने वो कार्ड खेला? अरे नहीं नहीं, देखिए मुझे तो मेरा अपना सूबा है, मैं मेरा परिवार यहाँ से आता है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से काम करा है, पंजाब की जनता भी चाहती है उस प्रकार से काम यहाँ पर हो। तो मुझे एक नुमाइंदे के तौर पे यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए भेजा गया है और पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत करेंगे और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार 2022 में हम लोग बनाएंगे। 2022 में सरकार बनेगी, चेहरे जो जिन्होंने खासकर सुच्चा सिंह छोटेपुर का नाम उठता है, जिन्होंने पार्टी के पांव खड़े किए थे, वैसे चेहरे अब आपको मिल पाएंगे या टोटली नए फ्रेश चेहरे आएंगे? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। कुछ ऐसे भी अच्छे लोग थे जो अब हमारे साथ नहीं हैं, कुछ ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो अकाली दल में हैं, कांग्रेस में हैं, भाजपा में हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं। जिन लोगों का दिल पंजाब के लिए धड़कता है, जिनकी धड़कन में पंजाब है और पंजाब को एक खुशहाल पंजाब बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में। 26 को होने जा रही ट्रैक्टर परेड में कोई आपकी सरकार का सहयोग रहेगा? उस पर हम बहुत जल्द आपको सूचना देंगे। अरविंद केजरीवाल दी पार्टी दे पंजाब दे सह प्रभारी राघव चड्ढा ने साफ किया है कि जिहड़ी उन्हां नूं पंजाब दी जिम्मेवारी मिली है, पंजाब नाल उन्हां जोड़िया गया, पंजाब दा उन्हां नाल वास्ता हैगा। आम आदमी पार्टी ने कोई हिंदू कार्ड खेडिया हैगा उन्हां नूं इत्थे जिम्मेवारी दे के, कोई हिंदू वोट कलैक्ट करने की कोई कोशिश हैगी है? इस तों फिलहाल उन्हां ने जिहड़ा है रहस्य साफ नहीं किया, पर बड़ी जल्दी ये चीज़ सामने भी आ जानी है। विजय सचिन अरोड़ा दे नाल बलजीत मरवाहा, वर्ल्ड पंजाबी, चंडीगढ़।